ओम माँ गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ देखिए आप सबसे फिर आप एक चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। मेरी चर्चा जो मैं कर रहा था कि सितंबर 11 से लेकर सितंबर 18 तक यानी सोमवार से रविवार तक जो सप्ताह आ रहा है कल से उसके लिए हर राशि का मैं राशिफल बता रहा था। तो अब तक मैं कन्या राशि तक या सिंह राशि तक बता चुका हूँ शायद या कन्या राशि तक बता चुका हूँ। तो अगली राशि आई जिसकी मैं अब चर्चा करूँगा वो है तुला राशि। तो तुला राशि की मैं चर्चा करूँ उससे पहले आपसे निवेदन कर लूँ कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में जो भी लिखना चाहे अपना कमेंट देना चाहे दें और नहीं देना चाहते कमेंट कोई तो महागणेशाय नमः तो लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों तुला राशि के लिए अब मैं थोड़ा ग्रह गोचर की चर्चा करूँगा उसके बाद फिर भविष्य बताऊँगा। देखिए तो ग्रह गोचर में क्या है, लग्न में तुला राशि है जहाँ केतु बैठे हुए हैं और अगले देखिए आगे बढ़े जब दूसरे भाव में धन भाव में कोई ग्रह नहीं है स्कॉर्पियो राशि है, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पांचवें भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं और देखिए शनि बकरी हैं तो बकरी ग्रह पिछली राशि को भी देखता है तो शनि का जो है बल मिलेगा मकर राशि को भी चौथे भाव में और देखिए छठे भाव में मीन राशि है, सातवें भाव में मेष राशि में राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं। राहु तो इफेक्टिव नहीं है मृत तुल्य दो ढाई डिग्री के हो गए वो मृत अवस्था में आ गए वो तो केवल बृहस्पति हैं महाबली हैं। बृहस्पति युवावस्था में है और बृहस्पति देखिए बकरी हैं तो बकरी बृहस्पति पिछली राशि यानी मीन राशि को भी बल प्रदान करेंगे और देखिए उससे अगली राशि उस अगले भाव में यानी आठवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवे में कोई ग्रह नहीं है, दसवें भाव में चौथी राशि है कर्क उसमें शुक्र बैठे हुए हैं, ग्यारहवें भाव में यानी लाभ भाव में पांचवी राशि है कौन सी सिंह राशि और सिंह राशि अपनी राशि में सूर्य बैठे हुए हैं बुध के साथ और उसके बाद देखिए बारहवें भाव में बुध की राशि यानी कन्या राशि है जिसमें कि मंगल बैठे हुए हैं। ये तो रहा देखिए ग्रह गोचर और हर वीक का फल बताने के लिए चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ती है। तो चंद्रमा कहाँ है तो मित्रों चंद्रमा जो है 11 तारीख को सप्ताह शुरू हो रहा है तो कर्क राशि में यानी चौथी राशि में दसवें भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा 11 तारीख को दसवें भाव में है और देखिए 12 तारीख को ही आ जाएंगे ग्यारहवें भाव में, 12 13 14 को ही रहेंगे और 15 को फिर चंद्रमा पहुँच जाएंगे मंगल के पास कन्या राशि में जो कि बारहवें भाव में है और वहीं रहेंगे 15-16 में और देखिए सप्ताह का अंत होगा 17 सितंबर को तो 17 सितंबर को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे यानी तुला राशि में आ जाएंगे। तो चंद्रमा का भ्रमण सप्ताह के प्रारंभ होने से कर्क राशि से लेकर के अंत होते होते तुला राशि तक चंद्रमा आएंगे तो इसका हमें ख्याल रखना होगा जब हम भविष्यफल की चर्चा करेंगे तब। और देखिए और एक चेंज क्या आएगा कि लास्ट में 17 तारीख को जब 17 सितंबर को सूर्य भगवान अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में आ जाएंगे कहाँ मंगल के पास यहाँ बारहवें भाव में 17 तारीख को आएंगे बिल्कुल सप्ताह के अंत में तो फिर बुध देव अकेले रह जाएंगे कहाँ पर सिंह राशि में लाभ भाव में। तो ये रहा ग्रह गोचर और देखिए इस ग्रह गोचर का मैंने सब बता दिया है चंद्रमा का भी संचरण और सब बता दिया है। अब क्या फल मिल सकता है देखिए दसवें में शुक्र हैं दसवें भाव में मतलब शुक्र हैं कर्क राशि में चंद्रमा के साथ सप्ताह शुरू हो रहा है जब 11वीं तारीख को तो कार्य क्षेत्र में जातक को देखिए पूर्ण सफलता मिलेगी। चंद्रमा मानसिक शांति देंगे, चंद्रमा जो मन में सोचेंगे उसकी जो कल्पना करेंगे कर्म क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में वो प्राप्त होगा वो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि शुक्र हैं और शुक्र देखिए
अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में सौंदर्य प्रसाधन से स्त्रियों से संबंधित कोई व्यापार है तो उसमें तरक्की तरक्की, यानी शुक्र जो है खुद कर्म क्षेत्र में बैठ करके और शुक्र जो है सामने चौथे भाव को देख रहे हैं सुख भाव को, तो सुख भाव में सिंह दसवीं राशि यानी मकर राशि बैठी हुई है। किसकी राशि है? वो शनि की पोषित राशि, यानी शनि जिसको पाल रहे हैं, शनि जिसको देख रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि शनि बकरी हैं तो कुंभ राशि से शनि की दृष्टि जा रही है मकर राशि पर। तो मकर राशि सुख भाव में है, मकर राशि के सुख भाव में मकर राशि को क्या है, शुक्र देख रहे हैं, शुक्र शनि की राशि को, शनि तो उनके, शुक्र तो शनि के गुरु हैं और शनि उनके शिष्य हैं, तो शुक्र यहाँ पर सारे सुख साधनों को प्रदान करेंगे जातक को, तुला राशि वालों को, कोई क्यों शनि की प्रिय राशि है और शुक्र स्वामी है, तो अपनी राशि के तुला राशि के लोगों को तो कर्म क्षेत्र में बैठकर कर्म स्थान में सारा तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रोन्नति, बिजनेस है तो बिजनेस में तरक्की और सुख साधनों को अच्छी तरह से, और शनि की राशि बैठी हुई है, शनि की तुला राशि प्रिय राशि है, तो सारे सुख साधन प्लस कर्म क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में बहुत विशेष तरक्की, पैसा धन, व्यापार है तो व्यापार में निवेश करेंगे तो अच्छा धन आएगा। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा रहा है देखिए, और इसका मतलब है आपके साथी लोग यहाँ शुक्र और शनि सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके साथी जो है मित्र हैं कर्म क्षेत्र में, कर्म स्थान में जो भी मित्र आपके साथ हैं वो सब सपोर्ट करेंगे, आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसको समाप्त करने में कराने में आपको मदद करेंगे, आपके बॉस खुश रहेंगे आपसे, तो आपको जो अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और शनि की मकर राशि है तो उसको शनि भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं और शुक्र भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, यानी चौथे भाव के सारे सुख तुला राशि वालों को प्राप्त हो रहे हैं। इस सप्ताह देखिए आपका अपने काम पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, मन रहेगा, फोकस रहेगा आपका अपने काम पर, तो आपको नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, आप चाहेंगे कोई नई नौकरी ज्वाइन करना तो आपको फिर आपकी जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं या जो डिपार्टमेंट उससे प्रोत्साहन मिलेगा, वो खुद चाहेंगे कि आप तरक्की के लिए आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कहीं और ज्वाइन कर लें। तो आपको देखिए पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, तो शनि अच्छा सपोर्ट देंगे नई नौकरी दिलाने में, शनि की राशि है मकर और शुक्र शनि के, समझ लीजिए शुक्र तो डेथ गुरु हैं, तो पंचम में बैठे हुए शनि आपको सब तरह से सपोर्ट, और शनि की दृष्टि देखिए ग्यारहवें भाव में पड़ रही है, ग्यारहवें भाव में बुध भी हैं और सूर्य भी हैं, तो बुध भी मित्र हैं शनि के, तो सारे मतलब सुख साधन, सारे नौकरी में तरक्की और लाभ भाव में लाभी लाभ यानी धनी धन, प्लस उन्नति नौकरी में, प्लस प्रेम प्रसंग को चल रहा है उसमें आपको सहायता, प्लस आपका संतान की जो कहीं शिक्षा में है, एजुकेशन के क्षेत्र में, या संतान कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी अच्छी तरह से, तो ये बहुत बढ़िया है आपका देखिए। और उसके अलावा आप अविवाहित हैं अगर, तो देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बृहस्पति हैं, और देखिए पंचम भाव में भी वहाँ से ग्यारहवें भाव से जो है सूर्य की बुध की दृष्टि है और शनि पर शनि बैठे हुए हैं, तो कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, अविवाहित है तो आपका विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, आपका प्रेम प्रसंग सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी आप शादी कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में देखिए चंद्रमा लग्न पर, सप्ताह के अंत में 17 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे लग्न पर, लग्न मीन्स तुला राशि पर या केतु बैठे हुए, तो लग्न में जब आ जाएंगे सप्तम और दृष्टि डालेंगे सामने सप्तम भाव पर, तो देखिए लग्न में आ गए तो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, शरीर और मन कष्ट से दूर हो जाएगा, कोई भी उसमें बीमारी चल रही थी आपको अगर पुरानी बड़ी
तो उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। दवाइयाँ अगर आपको लाभ नहीं दे रही थी तो अब लाभ जाना शुरू कर देंगे। घर परिवार में देखिए सुख सम्मान बना रहेगा। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ बड़े मधुर संबंध रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव खुद बैठे हुए हैं। तो जीवन में देखिए सारी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। सप्ताह के अंत में आते आते देखिए रुके हुए काम बनने लगेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है बृहस्पति पर। आमदनी बढ़ने के योग हैं देखिए, और संतान पक्ष से भी खुशी मिलेगी। भूमि भवन का क्रय विक्रय करते समय तथा धन का लेन देन करते समय, किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय कागज को अच्छी तरह पढ़ लें आप। देखिए ऐसा ना हो जल्दबाजी में मान लें किसी की बात साइन कर दें आप, धोखा हो सकता है। तो जो भी कागज पर साइन करें आप, उसको कागज पर पढ़ के साइन करें, किसी का भी आप विश्वास या भरोसा न लें, क्यों धोखा हो जाता है। अपने काम को देख खुद ही पूरा करें और किसी और के भरोसे पर न छोड़ें, वरना आपको हानि मिल सकती है। सेहत का देखिए विशेष ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखें, वरना उधर विकार हो सकता है। बाजार का खाना कम से कम खाएं। प्रेम संबंध में देखिए कुछ रुकावट आ सकती है थोड़ी, क्यों शनि है, शनि बैठे हैं पंचम भाव, तो थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन वो आप जरा अपनी सफाई देंगे, समझाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा। जीवन साथी के साथ भी देखिए थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, कुछ किसी कारणवश जीवन साथी के साथ भी कुछ, क्योंकि अब राहु केतु तो खैर अब ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ तो मतभेद हो सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन व्यापार जो अगर आप करते हैं तो व्यापार में देखिए बृहस्पति हैं यहाँ पर, और सप्ताह के अंत में आते आते चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। वैसे राहु और केतु तो मृत हो चुके हैं, उनकी कोई वो नहीं है। तो बृहस्पति के यहाँ होने से और चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से सप्ताह के अंत में आपका व्यापार में भी लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी। कोई आप निवेश करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ भाई तुला राशि वालों का अच्छा सप्ताह जा रहा है, और देखिए और भी ज़्यादा अच्छा चाहते हैं आप तो भगवान शिव की उपासना आपको मंगलकारी रहेगी। भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक करें, मंदिर में जाके सोमवार को जाएं जरूर, और भगवान शिव का अच्छा रहेगा। अगर आप भगवान शिव को थोड़ा सा गंगा जल या जल में दूध मिला करके चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं, अच्छा लाभ रहेगा। तो तुला राशि वालों को इस तरह से मैं देखता हूँ, शनि की प्रिय राशि है, शनि कुंभ राशि में पांचवें भाव में बैठ करके, बृहस्पति सातवें में बैठ करके बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। शुक्र भी और देखिए सूर्य भी और बुध भी सभी लाभ दे रहे हैं। तो तुला राशि को ये सप्ताह अच्छा बीतेगा मित्रों। तो मित्रों अभी मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ, अभी आगे आऊँगा तो अगली चर्चा करूँगा अगली राशि की। नमस्कार।